in the expansion of a minus b raised to the power n, the sum of the fifth and the sixth terms is zero. यह टर्म्स का ही सम जीरो है, कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो टर्म्स है उसका ही सम क्या है, जीरो है. देन प्रूव दैट ए बाय बी इज इक्वल टू एन माइनस फोर अपॉन फाइव. क्या गिवन है हमें, फिफ्थ टर्म और जो सिक्स्थ टर्म्स है, कोफिशिएंट नहीं ओवरऑल टर्म कंप्लीट टर्म, वो क्या जीरो दिया है. टी फाइव प्लस टी सिक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, जीरो दिया है. अब क्या करें, T5 और T6 लिख देते हैं. T5 क्या होता है, फिफ्थ टर्म, एन सी फोर एक कम होता है, T5 लिख रहा हूं पहले मैं, एन सी फोर, एन है ना पावर, एन सी फोर ए की पावर क्या आएगा, एन माइनस फोर, ए की पावर क्या आएगा, एन माइनस फोर, माइनस बी की पावर क्या आएगा, फोर, प्लस अब फिफ्थ टर्म लिख दिया हमने, अब सिक्स्थ टर्म लिखते हैं. सिक्स्थ टर्म क्या होगी, एन सी फाइव, ए की पावर एन माइनस फाइव, माइनस बी की पावर फाइव, ये क्या दिया, जीरो दिया है. जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख दिया, ठीक है. अब हमें प्रूव करना है कि a बाई बी इज इक्वल टू ये, ठीक है. तो क्या होगा, n c 4 a की पावर n माइनस फोर, b की पावर 4, क्योंकि माइनस वन की पावर 4 तो प्लस वन हो जाएगा. अब ये माइनस बी माइनस फाइव ये पावर तो माइनस आ जाएगा, माइनस n c 5 a की पावर n माइनस फाइव, b की पावर 5 इज इक्वल टू जीरो. यहां से अगर मैं n माइनस फाइव, ए की पावर n माइनस फाइव और b की पावर 4 कॉमन लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा, n c 4, ये n माइनस है ना, तो a b तो कॉमन आ गया, माइनस n c 5 ये तो कॉमन चला गया, b इज इक्वल टू क्या बचा, जीरो. ये जीरो में ट्रांसफर हो जाएगा. तो कैन आई से दैट एन सी फोर ए इज इक्वल टू एन सी फाइव बी, ये उधर चला जाएगा ना, ये तो जीरो में ही चला जाएगा ये टर्म तो पूरी. तो यहां से ए बाई बी क्या आ गया, या यू कैन से दैट पहले एज इट इज एन सी फोर, एन सी फोर को क्या लिखूंगा, एन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल इंटू ए तो था ही साथ में, इज इक्वल टू एन सी फाइव क्या होगा, एन फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, और ये बी था, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल चला गया. ये फोर फैक्टोरियल है या फाइव फैक्टोरियल है, ठीक है. तो ए अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन बाई फाइव बचेगा, क्योंकि इसको क्या लिख दूंगा मैं, वन ये फाइव फैक्टोरियल, तो फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल करूंगा, फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन इसको लिख सकता हूँ मैं एन माइनस फोर, ये कम करो एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, बी अपॉन फाइव एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, n माइनस फाइव फैक्टोरियल से n माइनस फाइव फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. तो a अपॉन b क्या आ गया, n माइनस फोर अपॉन फाइव, ये तो हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव. नाउ अभी तक क्या था कि केवल एक एक्सपेंशन था, ओके, और उस एक्सपेंशन में हमें जो भी टर्म है उसका कोफिशियंट फाइंड आउट करना था. लेकिन अब क्या है कि सपोज दो टर्म्स अगर प्रोडक्ट में आ जाती है या दो एक्सपेंशन अगर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, तो उसमें अगर हमें किसी टर्म का एक कोफिशियंट चाहिए, किसी का कोफिशियंट चाहिए, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो. उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट
suppose we have to find out the coefficient of x cube in the expansion of 1 plus x into 1 minus x raised to the power 8. इसके एक्सपेंशन में मुझे एक्स क्यूब का कोफिशियंट चाहिए, एक्स क्यूब का कोफिशियंट चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, अगर ये केवल इतना होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी तक हम क्या करते थे, जनरल टर्म लिखते थे और एक्स टू पावर थ्री पावर कंपेयर करके आर की वैल्यू निकाल लेते थे, वहां से कोफिशियंट आ जाता था। लेकिन अभी वन प्लस एक्स का भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंशन आएगा उसमें वन प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो देखो क्या होगा, 1 प्लस एक्स इंटू इसका जो एक्सपेंशन है अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, 8 सी 0 फिर आएगा माइनस 8 सी 1 एक्स, इसका एक्सपेंशन लिख लेना 8 सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 सी 3 एक्स क्यूब प्लस 8 सी 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 8 c 5 x to the power 5 plus 8 c 6 x to the power 6 plus 8 c 7 x to the power 7 sorry minus आएगा ना 7 plus 8 c 8 x to the power x। ये पूरा expansion लिख दिया मैंने। अब देखो x cube के लिए possibilities, देखो x cube जो है कब कब आ सकता है, 1 जो है किससे मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब देगा, यहाँ देखो इससे मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब आ सकता है, नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ आ सकता है। वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा, वन तो क्या होगा माइनस 8c3, 8c3 माइनस बाहर है एक्स क्यूब, देखो यहाँ से मिल रहा है, और वन इसके एक्सपेंशन में किसी से मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब दे सकता है क्या, नहीं, ठीक है। अब x के लिए देखो x किससे मल्टीप्लाई होके x क्यूब देगा, या नहीं या नहीं या हाँ, मीन्स व्हाट, प्लस 8 सी 2 x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, x क्यूब आ जाएगा, और x किसी और से मल्टीप्लाई होके x क्यूब देगा, नहीं देगा। तो x क्यूब का जो कोफिशियंट है वो क्या हो जाएगा, 8 सी 2 एक्चुअली क्या माइनस 8 सी 3 एक्स क्यूब, यही है ना इसका कोफिशियंट, क्या आ गया ये वैल्यू। अब ये वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 8 सी 2 क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, 8 सी 2 माइनस 8 सी 3, 8 सी 2 वैल्यू निकालते हैं, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 अपॉन 2 माइनस 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 ये आ जाएगा 28 माइनस माइनस 28। तो इसके एक्सपेंशन में x क्यूब का जो कोफिशियंट है वो क्या आएगा, माइनस 28, वो तो हमने केवल सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखो, तो अब ये अगर 1 माइनस एक्स की पावर 8 है तो हमने इसका एक्सपेंशन लिख लिया, टोटल 9 टर्म्स आई, लेकिन अगर ये पावर ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली सारी टर्म्स लिखने के बजाय हम ये कंक्लूड कर लें कि किससे मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब देगा, किससे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होकर देगा। तो मैं इसके एक्सपेंशन में पहले तो एक्स क्यूब का कोफिशियंट निकाल लूं, उसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दूं, फिर एक टर्म और निकाल लेता हूं, एक्स किससे मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब देगा, एक्स स्क्वायर से, तो इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म निकाल लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब देगा, वो कोफिशियंट लिख लेता हूं। तो केवल दो ही टर्म्स पॉसिबल है, तो ये सब पूरा लिखने के बजाय मैं क्या करता हूं, केवल दो टर्म्स लिख लूं। तो जहां जहां पॉसिबिलिटी बनती है उस जो भी कोफिशियंट हमें चाहिए वो टर्म्स केवल लिख लो, ठीक। लेट्स डू वन, सपोज हमें
एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स रेस टू द पावर टेन, इसके एक्सपेंशन में कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर चाहिए, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर चाहिए। तो यहां पे देखना ध्यान से, एक्स टू द पावर फोर का कोफिशियंट चाहिए, तो ये एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा, इसके एक्सपेंशन में टोटल 11 टर्म्स आएगी, लेकिन हमें सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ये देखो पहले एक्स, एक्स किससे मल्टीप्लाई होके एक्स टू द पावर फोर देगा, एक्स क्यूब से। तो यहां पे एक्स क्यूब का कोफिशियंट वाले टर्म लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाले टर्म कौन सी आएगी यहां पे, टेन सी थ्री एक्स क्यूब, टेन सी थ्री एक्स क्यूब, ठीक है। यहां पे एक्स क्यूब के कोफिशियंट वाले टर्म हमें चाहिए, इसका सिंगल इसमें तो हम लिख सकते हैं ना, जनरल टर्म लिख के लिख लेना, वो जो टर्म आएगी तो वो आएगी टेन सी थ्री एक्स क्यूब, चाहे तो लिख के देख लो, इसके एक्सपेंशन में एक्स क्यूब वाली टर्म, इसके एक्सपेंशन में एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी टेन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होके एक्स टू द पावर फोर देगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर एक्स टू दी पावर फोर देगा, तो इसके एक्सपेंशन में जो भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है वो लिख लो, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म आएगी तो वो आएगी टेन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस, बाकी नाइन और टर्म्स आएगी लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसमें हमें चाहिए एक्स टू दी पावर फोर चाहिए, तो यहाँ देखो एक्स क्यूब वाली टर्म चाहिए, एक्स क्यूब वाली टर्म लिखो, ये आएगी टोटल 11 टर्म्स में से एक टर्म ये भी रहेगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर फोर चाहिए मीन्स एक्स स्क्वायर वाले टर्म भी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिखो इसके एक्सपेंशन में, ये आएगी। अब क्या कोफिशियंट चाहिए ना हमें, तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशियंट क्या आएगा, टेन सी थ्री, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होकर तो क्या आएगा, माइनस टू इंटू टेन सी टू, ये हमारा आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, टेन सी थ्री, टेन सी थ्री क्या आएगा, यहां लिख लेता हूं मैं, टेन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू सेवन फैक्टोरियल माइनस टू टाइम्स टेन सी टू, टेन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल, यह आएगा टेन नाइन एट अपॉन सिक्स माइनस टू से टू गया टेन इंटू नाइन अपॉन वन, ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये आएगा 120 माइनस 90, तो क्या आ गया 30। तो जो कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी व्हाट 30, क्या आएगा 30 आएगा। तो एक क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जस्ट ट्राई इट आउट, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर थ्री इन द एक्सपेंशन ऑफ टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू चलो अभी सिंपल वन प्लस एक्स टू द पावर एट, ये सॉल्व इट। हो गया, देखो क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशियंट चाहिए, ये देखो एक्स किससे मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब देगा, एक्स स्क्वायर मीन्स इसके एक्सपेंशन में मुझे एक तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म चाहिए, और एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब देगा, एक्स एक्स वाले टर्म चाहिए मीन्स इसके एक्सपेंशन में मुझे एक्स एंड एक्स स्क्वायर वाले टर्म चाहिए, तो ये तो एज इट इज रहेगा, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म क्या आएगी, एट सी टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स वाले टर्म
एट सी वन एक्स एंड सो ऑन। नाइन टर्म्स आएगी, लेकिन जो टर्म्स यूज हो रही है वो मैंने लिख ली। तो कोफिशियंट क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, टू इंटू एट सी टू माइनस, ये माइनस ही होगा ना, एट सी वन, ये कोफिशियंट हो जाएगा अपना। तो क्या होगा, टू इंटू एट सी टू 28 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा यार, 56 माइनस 8, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 48। तो जो कोफिशियंट आएगा वो आएगा 48। एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट आएगा इसके एक्सपेंशन में, दैट विल बी 48। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब इन टू 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 एक्स होल रेस टू द पावर 9। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए देखो, ये जो एक्सपेंशन है इसमें टोटल 10 टर्म्स आएगी, लेकिन हमें सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। हमें कौन कौन सी टर्म्स चाहिए, एक्स टू द पावर 0 कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स एक तो एक्स टू द पावर 0 चाहिए, एक टर्म चाहिए हमें एक्स टू द पावर 0 वाली जो इससे मल्टीप्लाई होकर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा ना। फिर चाहिए एक्स टू द पावर माइनस 1 वाली, क्योंकि एक्स टू द पावर माइनस 1 एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स टू द पावर 0 देगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक चाहिए हमें एक्स टू द पावर माइनस 3 वाली टर्म इस एक्सपेंशन में, ये तीनों टर्म चाहिए हमें इसके एक्सपेंशन में, एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर माइनस 1, एक्स टू द पावर माइनस 3, क्योंकि एक्स क्यूब एक्स टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देगा ना। ठीक है, अब इन तीनों को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। पहले हमें उसकी जनरल टर्म, और ये सब पता था, इजी था ना, 1 प्लस एक्स की पावर जो एन था वो इजी था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या करते हैं, पहले इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, टी आर प्लस 1 किसकी, 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 एक्स की पावर 9 किसकी, क्या आएगा, 9 सी आर। अभी क्यों लिख रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा, 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर 9 माइनस आर माइनस 1 बाय 3 एक्स की पावर आर। ये क्या किया, पहले उसकी जनरल टर्म लिख ली, अब कॉन्स्टेंट टर्म अलग करो, एक्स वाला पार्ट अलग करो, 9 सी आर 3 बाय 2 की पावर 9 माइनस आर माइनस 1 बाय 3 की पावर आर एक्स की पावर 18 माइनस 2 आर माइनस आर एक्स की पावर 18 माइनस 2 आर माइनस आर। ये तो हमने क्या जनरल टर्म लिख ली, अब क्या होगा कि 1 एक्स टू दी पावर 0 का जो कोफिशियंट है उससे मल्टीप्लाई होके इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म देगा, मीन्स एक्चुअली ये क्या, 1 इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर 0 प्लस 2, सॉरी अगेन क्या है, ये एक्स भी एक्स टू दी पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म देगा, तो अगेन 1 इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1, फिर प्लस 2 इंटू, क्योंकि ये 2 है ना, किसके कोफिशियंट से, 2 इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3। तो ये जो हमारा ओवरऑल आंसर होगा, ये जो कोफिशियंट है ये किसमें है, इसके कोफिशियंट है। ठीक है, अब क्या करें, एक्स टू द पावर 0 का कोफिशियंट देखना है, तो हमें आर की वैल्यू देखो, 18 माइनस 2 आर माइनस आर मस्ट बी इक्वल टू 0, आर क्या आ गया, यहां से 6 आ गया, आर 6 आ गया, तो कोफिशियंट क्या आएगा, ये तो 1 इंटू 9 सी 6 3 बाय 2 की पावर 3 माइनस 1 बाय 3 की पावर प्लस, अब क्या देखना हमें, 18 माइनस 2 आर माइनस 1 के इक्वल,
यहां से आर क्या आ गया, 19 बाय 3। आर फ्रैक्शन में आ गया, आर फ्रैक्शन में आ गया मीन्स इट्स इम्पॉसिबल। मीन्स व्हाट, इसके एक्सपेंशन में एक्स टू द पावर माइनस वन वाली टर्म होगी ही नहीं, इसके एक्सपेंशन में माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस वन वाली टर्म नहीं होगी। मीन्स व्हाट, एक्स टू द पावर माइनस वन का कोफिशियंट क्या होगा, जीरो, तो क्या होगा, प्लस वन इंटू जीरो प्लस। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री देखना है, मीन्स व्हाट, 18 माइनस टू आर माइनस आर इज इक्वल टू माइनस थ्री। आर क्या आ गया यहां से, सेवन, आर सेवन आ गया, तो एक्स टू द पावर माइनस थ्री का कोफिशियंट भी हमें पता चल जाएगा, क्या होगा, दैट इज टू टाइम्स ये 9 सी 7 3 बाय 2 की पावर 9 माइनस 7 दैट इज 2 माइनस 1 बाय 3 की पावर 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले तो 3 बाय 2 स्क्वायर और 1 बाय 3 की पावर 6, ये कॉमन लो, तो 9c6 मीन्स व्हाट, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 3 बाय 2, यहां से तो माइनस आ जाएगा, ये तो क्या जीरो ही है, माइनस 2 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1 बाय 4 इंटू 3 की पावर 4, इनको दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहां से आएगा 126 माइनस, यहां से क्या आ जाएगा, इंटू 1 बाय, सॉरी यहां 1 बाय 3 बचेगा ना, तो यहां से क्या बचेगा, 2 से तो 2 गया, 3 3 जा 9 24, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू 3 9 27 81 इंटू 102। ये क्या हो, 3 से डिवाइड होगा तो 34 2, तो 17 बाय 54, तो दिस विल बी द आंसर। मीन्स इसका जो कोफिशियंट होगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट विल बी 17 बाय 54, दैट विल बी द आंसर। मीन्स हमें यहां अगर तीन टर्म्स, तो हमें तीन पॉसिबिलिटीज देखना पड़ेगी, जो जो आ रहा है उनको लिखते जाओ और करेस्पॉन्डिंग इनके कोफिशियंट से मल्टीप्लाई भी करते जाओ। ठीक है, तो जो पैटर्न है वो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। अगर ये इजी टर्म है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी जनरल टर्म लिखना पड़ेगी और उसके बाद जो भी कोफिशियंट बोलता जा रहा है, जो हमें चाहिए सॉरी, वो इक्वेट करते जाओ, आर के निकालते जाओ, यहां से कोफिशियंट निकालते जाओ, यहां तो हमें पता ही है 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो फ्रॉम देयर विल गेट द फाइनल आंसर।